गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है मानव में पोषण और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे तीन मुख्य अंगों की, जो हमारे आहार नाल के तीन मुख्य अंग हैं, जैसे ग्रसनी, ग्रसिका तथा अमाशय। तो इस लेक्चर में इनकी संरचना की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी के तीन क्षेत्र होते हैं, तीन भागों में हम इसे बांट सकते हैं। सबसे पहला मुख ग्रसनी, दूसरा नासा ग्रसनी तथा तीसरा कंठ ग्रसनी। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी, तो तीन क्षेत्रों में हम हमारे ग्रसनी को बांट सकते हैं। ये किस तरह से, जो हमारे मुख के पीछे की ओर है, ये हमारी मुख गुहा है, और मुख गुहा के पीछे की ओर जहां हमारे दांत जीभ वगैरह उपस्थित है, ये मुख गुहा है, इसके पीछे की ओर मुख ग्रसनी। ये नासा गुहा है, जहाँ नाक जो दिख रही है आपको, और इसके अंदर की जो जगह है, जो स्पेस है, वो नासा गुहा, और नासा गुहा के पीछे की ओर उपस्थित है नासा ग्रसनी। तो सिंपल सा, मुख ग्रसनी भोजन व जल के लिए है, नासा ग्रसनी वायु के लिए, तथा दोनों मुख ग्रसनी व नासा ग्रसनी पीछे की ओर मिलकर निर्माण करती है कंठ ग्रसनी का, जो एक कॉमन रास्ता है भोजन जल व वायु के लिए। तो तीनों के लिए एक कॉमन रास्ता है जिसे हम कंठ ग्रसनी कह रहे हैं। कंठ ग्रसनी के यहाँ पर पीछे की ओर दो छिद्रों द्वारा आगे की ओर खुलती है, दो छिद्रों द्वारा यह खुलेगी। सबसे आगे जिसके आप हाथ लगा सकते हैं, ये भाग कहलाता है हमारी श्वास नली। तो श्वास नली में भी खुल रही है, और श्वास नली के पीछे की ओर ग्रसिका उपस्थित है, उसमें भी ये खुल रही है। दोनों के छिद्र होते हैं, इसे कहते हैं, इसका जो छिद्र है श्वास नली का, इसे कहते हैं श्वसन छिद्र, और निगल द्वार, निगल द्वार कहते हैं जो हमारे ग्रसिका का छिद्र है जिसमें खुल रही है हमारी ग्रसनी। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रसनी के बाद हम बात करेंगे दूसरी संरचना, ग्रसिका की। तो दूसरी संरचना यहाँ पर ग्रसिका है। ग्रसिका एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार संरचना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इनकी जब संरचना, हम इनकी भित्ति की अगर बात करेंगे तो एक नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, टॉपिक यही होगा आहार नाल का अनुप्रस्थ काट। तो आहार नाल का अनुप्रस्थ काट में हम पढ़ेंगे किस तरह से इनकी भित्ति में क्या क्या संरचनाएँ उपस्थित हैं, अभी सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं तीसरा मुख्य अंग हमारा अमाशय, तीसरा मुख्य अंग हमारा अमाशय। अमाशय के तीन भाग हैं, तीन भागों में हम अमाशय को बांट सकते हैं, जठर आगम भाग, फंडस भाग तथा जठर निर्गम भाग। तो तीन भागों में हम अमाशय को बांट सकते हैं, जठर आगम, फंडस तथा जठर निर्गम। फंडस भाग सबसे बड़ा भाग होता है हमारे अमाशय का। इसी के साथ जब हम बात कर रहे हैं अमाशय की, तो यहाँ पर दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, जठर आगम ग्रंथियाँ तथा
जठर निर्गम ग्रंथियां। तो यहां पर दो प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित है, जठर आगम ग्रंथियां तथा जठर निर्गम ग्रंथियां। अब ये ग्रंथियां क्या कर रही है? जठर आगम ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जाइमोजन कोशिका तथा इनका एक नाम और है, इन्हें मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। इसी प्रकार से जठर आगम ग्रंथियां जो है, इनमें जाइमोजन या मुख्य कोशिकाओं के साथ में एक प्रकार की कोशिकाएं और होती है, इन्हें कहते हैं अम्लजन कोशिकाएं। यह अम्लजन कोशिकाएं हैं। तो यहां पर अम्लजन कोशिकाएं भी उपस्थित है। इन दोनों के कार्यों की अगर बात करें तो यहां पर जाइमोजन कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं स्त्रवण करती है पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय अवस्था है पेप्सिन की, पेप्सिनोजन पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था है। तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण होता है और पेप्सिन उत्तरदायी है प्रोटीन के पाचन के लिए, पेप्सिन उत्तरदायी है प्रोटीन के पाचन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में पेप्सिनोजन है जिसका स्त्रवण जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएं कर रही है और इससे निर्माण होगा पेप्सिन का, इससे निर्माण होगा पेप्सिन का। तो यहाँ पर पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण हो रहा है और इसके लिए उत्तरदायी है हमारी अम्लजन कोशिकाएं, क्योंकि अम्लजन कोशिकाएं स्त्रवण करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो HCl है, इसके दो कार्य हैं। HCl यहाँ पर दो कार्य करता है। सबसे पहला कार्य HCl का पेप्सिनोजन का पेप्सिन में परिवर्तन, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य HCl की सहायता से ही पूर्ण होता है। दूसरा कार्य इसका, ये हमारे अमाशय का pH, अमाशय एक जे आकृति का अंग है, जे शेप का अंग है, जे आकृति का अंग है। ये हमारे शरीर में लेफ्ट साइड बाएं भाग में उपस्थित होता है और यह हमारे डायफ्राम के नीचे स्थित रहता है। जब हमने ग्रसिका की बात की तो ग्रसिका भी हमारे डायफ्राम से होकर निकलती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारे फेफड़ों के नीचे की ओर हमारा डायफ्राम है और डायफ्राम के अंदर से ये निकल रही कुछ इस तरह, जैसे ये हमारा डायफ्राम है तो इस डायफ्राम के मध्य से ये ग्रसिका इस तरह से निकल रही, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये ग्रसिका इस तरह से हमारे शरीर में उपस्थित है और नीचे की तरफ यहाँ उपस्थित है हमारा अमाशय। तो यहाँ पर ग्रसिका डायफ्राम से निकल रही है और डायफ्राम के नीचे की ओर हमारा अमाशय उपस्थित है जिसमें ग्रसिका खुलती है। इसके पश्चात हमारे अमाशय में दो प्रकार के, कल इनकी बात पूरी करते हैं जठर निर्गम ग्रंथियों की। तो यहाँ पर जठर आगम ग्रंथियाँ जिनमें दो प्रकार की कोशिकाएँ हैं, जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएँ जो पेप्सिनोजन का स्त्रवण कर रही है जिससे निर्माण होगा पेप्सिन का, क्योंकि वो प्रीकर्सर है उसका, पूर्ववर्ती है या इनएक्टिव फेज है उसकी, इनएक्टिव फॉर्म है, निष्क्रिय अवस्था है। इसको सक्रिय करने का काम अम्लजन कोशिका है जो HCl का स्त्रवण कर रही है। HCl का काम अमाशय का pH जो मैं बता रहा था आपको 2-3 रखने का कार्य, इतना कम pH जिससे जीवाणु जो भी उपस्थित है भोजन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाए, किसी प्रकार का हमारे भोजन में जीवाणु ना रहे, इसके लिए ये उत्तरदायी है। साथ ही यहाँ जब बात कर रहे हैं हम जठर निर्गम ग्रंथियों की, तो जठर निर्गम ग्रंथियाँ स्त्रवण करती है श्लेष्मा का। ये श्लेष्मा हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति पर एक परत बना लेती है जिससे ये HCl पेप्सिन हमारे अमाशय को, हमारे अमाशय की भित्ति को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता। अब बात आती है इसमें कपाट। तो हमारे अमाशय में दो कपाट उपस्थित होते हैं, सबसे पहला जठर आगम कपाट, दूसरा जठर निर्गम
कपाट। तो जठर आगम कपाट तथा जठर निर्गम कपाट, ये दो प्रकार के कपाट यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जठर आगम कपाट भी है, जठर निर्गम कपाट भी है। काम ज्ञान का जठर आगम कपाट उपस्थित है ग्रसिका व आमाशय के मध्य, जठर निर्गम कपाट उपस्थित है आमाशय व ग्रहणी जो छोटी आंत का प्रथम भाग है उसके मध्य, और ये दोनों ही भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके भोजन को विपरीत जाने ही नहीं देंगे, उल्टी भी तो होती है, देखा होगा और हुई भी होगी आप लोगों को कि जब उल्टी होती है तो उसमें क्या होता है, आपके आमाशय में जो भोजन है वो बाहर निकल रहा है, उसका कारण क्या है, विपरीत प्रवाह कैसे हो रहा है, तो इनडाइजेशन कंडीशन है। जब भोजन फंस जाता है आपके आहार नाल के अंदर तब उसको विपरीत प्रवाह द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए ये कपाट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज इस लेक्चर में बात की है ग्रसनी ग्रसिका तथा आमाशय की।